फर्द कायम रबते मिल्लत से है, तनहा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरूने दरिया कुछ नहीं। एस कायदे आज़म फादर ऑफ अवर नेशन सेड, वी आर नाउ ऑल पाकिस्तानीज, नॉट बलोचीज, पठान, सिंधीज, बंगालीज, पंजाबीज एंड सो ऑन। एंड एज पाकिस्तानी वी मस्ट फील, बिहेव एंड एक्ट, वी शुड बी प्राउड टू बी नोन एज पाकिस्तानी एंड नथिंग एल्स। Assalamualaikum. Hopefully you all people will be celebrating the spirit of independence. मेरी तरफ से आप सबको आजादी मुबारक। आज पाकिस्तान को आजाद हुए 70 प्लस ईयर्स हो चुके हैं। कायदे आजम का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो हमने फॉलो करना था लेकिन कहीं खो सा गया, वो क्या था? यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। ये तीन चीजें करने से हम पाकिस्तान को एक नंबर वन नेशन बना सकते हैं। एक बचपन से हम स्टोरी सुनते आ रहे हैं, वो स्टोरी क्या है? वो स्टोरी ये है कि एक स्टिक आप लें, आप उसको इजीली ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन अगर वही स्टिक से आप बंडल बना लें तो उस बंडल को आप ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तो हमें पता चलता है कि यूनियन इज स्ट्रेंथ, और यूनिटी में कितनी स्ट्रेंथ होती है। तो आप ग्रुप में जब कोई एफर्ट करते हैं तो वो एफर्ट वर्थ फाइल बन जाती है। इसी तरह से अगर आप कभी तिनकों की अहमियत जानना चाहें तो उस परिंदे से पूछें, छोटे से परिंदे से, जो अपना घोंसला उन छोटे छोटे तिनकों से बना लेता है। बज़ाहिर वो तिनका हवा में उड़ जाता है, लेकिन जब वो परिंदा उनको अरेंज करता है तो उससे उसका घर बन जाता है। तो चीज़ों को आप जमा करते हैं, कोलेक्टिव करते हैं, यूनिट एफर्ट करते हैं, जिसकी वजह से एक बड़ी चीज़ बन जाती है। हम दुनिया में अपने अपने रोल्स प्ले कर रहे हैं, और हर एक की अल्लाह ताला ने सलाहियत को दूसरे बंदे की सलाहियत से डिफरेंट रखा। इट्स लाइक पीसेज ऑफ पजल। अब मेरे पास एक पजल है जो मैंने सॉल्व किया अपने भतीजे के साथ। उस पजल के एक पीस में ही आपको शायद थोड़ा सा अर्थ का पीस नजर आ रहा है, और थोड़ा सा ही आपको सन का पीस नजर आ रहा है। तो ये आपको कोई आइडिया नहीं दे रहा, लेकिन इनका बहुत ज्यादा मीनिंग है। अगर हम इन सब पीसेस को ज्वाइन कर दें तो क्या बन जाता है? तो एक पूरा सोलर सिस्टम, एक पूरा प्लैनेट का सिस्टम बन जाता है। तो ये अलहदा अलहदा कोई मीनिंग नहीं रखते, लेकिन जब ये सब ज्वाइन है तो हमें मीनिंग भी समझ आ रहा है, मोर मीनिंगफुल, मोर वैल्यूएबल चीज बन जाती है ज्वाइन टुगेदर। जैसे पीसेज ऑफ पजल में हर एक हो, और हर एक की अपनी अपनी अहमियत हो, और हर एक की अपनी अपनी एफर्ट उसके अंदर हमें नजर आने लग जाती है। ये पीसेज ऑफ पजल हम भी इसी तरह से हैं। हर कोई अपना रोल सही प्ले करे तो हमें एक पूरा कलेक्टिवली मोर मीनिंगफुल थिंग नजर आती है, मोर हमें समझ लगती है चीजों की। तो उन पीसेज ऑफ पजल की तरह हम भी एक पीसेज ऑफ पजल की तरह है, और हमने अपने अपने रोल्स को सही तरह से करना है। इंडिविजुअल एफर्ट्स मिलके कंबाइन, जब कलेक्टिव एफर्ट होंगी तो हम उस यूनिटी वाले गोल को अचीव करने में बहुत अहम रोल अदा कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल हैं। जैसे हम स्टार्स को देखते हैं, स्टार्स को देख के स्टार्स हमें डायरेक्शन फाइंड करने में, नॉर्थ स्टार कितनी ज़्यादा हेल्प करता है, और उनको अगर कलेक्टिवली कुछ देखें तो हम कुछ भी उनसे बना सकते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें ड्रॉप, ड्रॉप एक ड्रॉप ऑफ वाटर ऐसे लगता है यार हमारी प्यास नहीं बुझा सकता, या हम उससे कुछ नहीं आ सकते, लेकिन देखिए वो ड्रॉप बाय ड्रॉप करके ही एक ग्लास बन जाता है, वही एक रिवर बन जाता है, वही एक ओशन बन जाता है। तो वही रिवर सबको सैराब करता हुआ चला जाता है, फसलों को सैराब करता है, इतना इम्पोर्टेंस उसकी बन जाती है। लेकिन स्टार्टिंग पे वो क्या है? एक ड्रॉप। तो अगर वो ये सोचते कि यार मेरे से क्या होगा, या हम में से कोई बंदा एक सोचे कि हम कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं और एक बंदे की एफर्ट से क्या होगा, तो ऐसा नहीं सोचना। आहिस्ता ही कलेक्टिव एफर्ट बनेंगे, आहिस्ता ही लोग उसको देख के इंकरेज होंगे, मोटिवेट होंगे, और खुद भी करेक्ट करना चाहेंगे अपने आप को, और उसकी एफर्ट के साथ ज्वाइन हो जाएंगे। लेकिन वो सारे ड्रॉप्स जब मिल जाएंगे तो उसका एक बड़ा रिजल्ट आपको नजर आएगा, और वो नजर किसी भी फॉर्म में आपको आ सकते हैं। हम अल्फाबेट्स देखते हैं, उर्दू के हों, इंग्लिश के हों, लेट्स से इंग्लिश ए टू जी अल्फाबेट्स हैं, हमें कोई मीनिंग नजर आता है, लेकिन हम जब उनके वर्ड्स को ज्वाइन टुगेदर कर देते हैं
तो हर ज्वाइनिंग टुगेदर करने से कोई ना कोई वर्ड निकल आते हैं, यूनिटी, UNITY। अगर स्कैटर्ड है तो कुछ समझ नहीं लग रही, लेकिन जब हमने इसको ज्वाइन कर दिया तो फिर हमने इसकी स्ट्रेंथ को भी समझ लिया। पिक्चर भी हमें यूनिटी की एग्जांपल देती है, जैसे रेनबो 7 कलर से मिलके बनती है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। तो ये 7 कलर्स एक ही व्हाइट कलर से, या फिर वापस 7 कलर से व्हाइट कलर बनाया जा सकता है। फिजिक्स के स्टूडेंट जो मेरे फिजिक्स के लेक्चर का वेट करें, इंशाल्लाह जल्द ही आप फिजिक्स की वीडियोस भी देखेंगे जिसमें मैं फिजिक्स के लेक्चर समझाऊंगा। तो एक कलर से 7 कलर, लेकिन 7 कलर्स अगर हम इंडिविजुअल देखें, इंडिविजुअल उनकी करेक्टरिस्टिक हैं, उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, अपनी वेवलेंथ हैं, अपनी फ्रिक्वेंसी, ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से ये पैटर्न बन रहा है। लेकिन अगर इन 7 कलर्स को हम कंबाइन करके देखते हैं तो हमें एक मोर मीनिंगफुल और मोर ब्यूटीफुल पिक्चर नजर आती है। तो रंग भी अलग-अलग से ज्यादा ज्वाइंट टुगेदर हो तो वो बहुत अच्छा इफेक्ट देते हैं। कोसे कजार धनक, जिसका हम सब वेट करते हैं, और आजकल बारिशों का सीजन है, हमें ये चीज नजर भी आ रही है। हम आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ब्रिक्स की एग्जाम्पल। अब देखें, एक दीवार खड़ी करनी, एक ईंट है जो अलहदा से पड़ी है, तो उसके ब्रेक होने के चांसेस, टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन अगर उसमें एक ज्वाइनिंग फोर्स हो, ज्वाइनिंग फोर्स क्या हो सकती है, कोई बाइंडिंग फोर्स हो जो जब हम खड़ी करें उसे, इमारत बनाए, किसी भी डिजाइन की बना सकते हैं। सारे सिविल इंजीनियर के दोस्त से एग्री करेंगे कि वो इससे क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन उनके दरमियान बाइंडिंग होना, उनके दरमियान कम्बिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। होता क्या है कि वो एक इतनी पावरफुल चीज बन जाती है जो हर तूफान का, हर चीज का मुकाबला कर सके, उसकी स्ट्रेंथ की टेस्टिंग बहुत हाई हो जाती है। लेकिन मेजर चीज क्या है कि उसकी बाइंडिंग क्या है, उसकी बाइंडिंग वो क्या चीज है जो उनको यूनिफाइड कर रही है। तो अगर हम जरा सा गौर करें तो हम जब किसी क्राइसिस पे एक होने लगते हैं, या हो भी जाते हैं टेम्परेरी पे, लेकिन वो हमारी बाइंडिंग इतनी वीक होती है कि वो क्राइसिस को भी डेज भी नहीं गुजरे होते और हम फिर से स्कैटर्ड हो जाते हैं, हम एक नेशन की तरह यूनिफाइड नहीं होते और एक कलेक्टिव एफर्ट की तरफ नहीं जाते। तो वो फिर ब्रिक्स की तरह अलग-अलग, जैसे ब्रिक्स का एक आप बंडल खड़ा कर दें लेकिन उनमें कोई ज्वाइंट टुगेदर नहीं है तो उसको कोई भी इजीली पुश करके गिरा सकता है। लेकिन अगर एक वॉल है, उसको ब्रेक करना, उसमें बाइंडिंग जितनी स्ट्रांग होगी उसको उतना ही ब्रेक करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आपने एज ए नेशन एक्ट करना है। ये एग्जाम्पल भी इसलिए दी गई कि अपनी बाइंडिंग्स को जो हमें करती हैं, क्या क्या कर सकती है हमें बाइंड, क्या क्या यूनिफाइड कर सकते हैं, ये मैं भी आगे जाके बताता हूँ। और एग्जाम्पल लेते हैं एनिमल्स को, अगर देखें कितना जबरदस्त डिसिप्लिन हमें नजर आता है, कैसे बीज कलेक्टिवली काम करती हैं, नेक्टर बनाती हैं और सबको बेनिफिट देती हैं। इंसेक्ट्स ने आर्ट्स को देखें, आर्ट्स कितने डिसिप्लिन में एक दूसरे की हेल्प करती हैं, एक दूसरे अपने लिए टफ कंडीशन में भी सर्वाइवल के लिए क्या क्या उनकी प्लानिंग होती है, तो कितना डिसिप्लिन को फॉलो करती है। तो हमें उनमें यूनिटी भी मिलती है, डिसिप्लिन भी मिलता है, और शायद फेथ भी उनके अंदर है कि वो अपना काम जब कलेक्टिवली करेंगे तो अपने गोल्स को अचीव करेंगे। और यही वो फेथ होता है जो आपको एक सक्सेसफुल बना देता है, एज ए नेशन भी आपको सक्सेसफुल बना सकता है, और किसी भी तरह से भी यूनाइटेड होके काम करते हैं, बड़े से बड़ी मुसीबत का मुकाबला कर लेते हैं। आपने बचपन में वो परिंदों की स्टोरी सुनी हुई है जिसमें वो नेट से अपने आप को कलेक्टिव एफर्ट करके आजाद करवाते हैं, तो इसी तरह से वो अपने से बड़े मुकाबल को भी हरा देते हैं। हमने भी ऐसा तारीख में भी देखा है कि छोटी तादाद बड़ी तादाद को हरा देती है, लेकिन छोटी तादाद को बाइंड करने के लिए वो यूनिटी होनी चाहिए, वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए जो फिर किसी भी हालात का, किसी भी कंडीशन का मुकाबला कर सकती है। क्रिकेट टीम की एग्जांपल लें या किसी भी स्पोर्ट्स की एग्जांपल लें, फुटबॉल हो, उसमें एक प्लेयर का रोल तो इंडिविजुअल का बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन जब तक वो कलेक्टिव एफर्ट ना हो, पूरी टीम एफर्ट ना हो, तो मैच का जीतना मुश्किल हो जाता है। और वो टीम हमें सक्सेसफुल नजर आती है जिनमें एक टीम परफॉर्मेंस होती है जो एक अपने लिए नहीं बल्कि अपनी टीम के लिए परफॉर्म कर रही होती है। तो हमें स्पोर्ट्स भी इसी की एग्जाम्पल देते हैं, इवन वो स्पोर्ट्स भी जो शायद सिंगल हैंडेड खेले जाते हैं या इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हैं, लेकिन उसके पीछे भी कई लोग, कई कोचेज की, कई मेंटोर्स की मेहनत होती है, हार्ड वर्क होती है, तो वो एक टीम एफर्ट के तौर पे निकलता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, एक पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल है
बायोलॉजी के स्टूडेंट्स, तो वो सेल्स एक ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म करते हैं, तो टिश्यू बन जाते हैं और टिश्यू पे एक पर्टिकुलर टास्क करते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनता है, ये सारे आपकी बॉडी के जो सिस्टम है ये एक साथ काम करते हैं, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम मिलके काम करते हैं, आपकी एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं और आप फिर बेहतर तौर पे फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने भी आपको ऐसे ही डिजाइन किया है। तो अब हम चलते हैं इन चीजों की तरफ जो हमें यूनिफाइड कर सकती हैं। हमें क्या चीज यूनिफाइड कर सकती है, या इससे पहले मैं आपको एक और चीज डिस्कस करना चाहता हूँ कि वो डिविजन्स हैं। अब हम एग्जाम्पल्स के बाद इस पार्ट में डिविजन्स को देखते हैं कि हम सोसाइटी के अंदर या एज ए नेशन हम कितनी तरह से डिवाइड हैं। हम क्लासेस में डिवाइड हैं, रिच क्लास, पुअर क्लास, हम स्टेटसेस में, सोशल डिफरेंसेस, अब आजकल सोशल डिस्टेंस है लेकिन एक्चुअली सोशल डिस्टेंस पता नहीं कितने अरसे से चला आ रहा है कि हम किसी को अपने आप को इतना ऊंचा समझते हैं कि अपने काम वालों को अपने साथ बिठाना नहीं पसंद करते। तो ये भी एक आई थिंक सोशल डिस्टेंस है जो हम बहुत सालों से करते आ रहे हैं, यही कि ये आज सोशल डिस्टेंस शायद हम अपने जैसों के साथ भी कर रहे हैं लेकिन ये सोशल डिस्टेंसिंग बहुत अरसे से नजर आ रहा है, तो वो कैसे हमारे साथ यूनाइट हो सकेगा। इस तरह से के अलावा भी हम खानदान को लेके प्राउड फील करते हैं कि यार हम इस लेगेसी से बिलोंग करते हैं, हम इस खान फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो ये भी कोई प्राउड वाली बात नहीं है। और आपको यूनिफाइड होना चाहिए, आपको सबको, किसी को अपने प्रोविंस पे या किसी को अपनी लैंग्वेज पे प्राउड नहीं, आप कोई नहीं है। कायद अजम के कोर्ट से ये स्टार्ट की वीडियो, उसका मकसद यही था कि आप पंजाबी, सिंधी, बलोची की तरह या पश्तून, पठान की तरह ना सोचें, आप ये सोचें कि मैं पाकिस्तानी हूँ सबसे पहले, मैं अपनी लैंग्वेज के मुताबिक भी डिफरेंस क्यों क्रिएट करूँ। अगर मेरी कोई और लैंग्वेज है तो, लेकिन मेरी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है और उसको मैंने आगे लेके चलना है, हमने इस चीज़ पे यूनाइट होना है। और हमें यूनाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन अभी हम डिविजन्स की तरफ देख रहे हैं कि लैंग्वेजेस में डिवाइड है। इस तरह से अगर हमारा रिलीजन एक है, अगर हम सब मुसलमान हैं तो हमें उनमें भी डिफरेंसेस नज़र आते हैं, मुख्तलिफ सेक्टर नज़र आते हैं, हम दूसरे बंदे को या तो ट्रेटर दे देंगे या फिर हम उसको काफिर डिक्लेयर करने की पोजिशन में आते रहते हैं कि यार ये बंदा सही, दूसरों को जज ही करते रहते हैं, तो फिर आप एक कैसे हो पाएंगे। वो इलामा इकबाल ने कहा था ना, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, बताओ तुम सभी कुछ हो, क्या मुसलमान भी हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप देखें कि आप मुसलमान हैं, आपको यूनिफाइड करने इस बात पे होना है कि आप एक अल्लाह को मानते हैं, की किताब कुरान पाक को मानते हैं, उसके नबी, आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, तो उनसे आपने गाइडेंस लेनी है और अब इन चीज़ों पे अपने आप को यूनिफाइड करना है। एक स्ट्रेंथ बन जाएगी आपकी खुद ही जब आप इन चीज़ों पे होंगे। और फिर जो आपकी माइनॉरिटीज हैं उनका भी ख्याल रखना, आपका मजहब आपको सिखाता है, तो सारे मिलके चलेंगे तो आपका नेशन कहाँ से कहाँ जाएगा। तो डिविजन्स नहीं, यूनिटी, यूनिफाइड होना है आपने। यूनिफाइड होना है तो आप सबसे आगे चले जाएंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे पूरी टीम एफर्ट करती है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो आप एक टीम एफर्ट करें, आप एक कंट्री में तो भी ये सोचें कि अब आप ने इस कंट्री में एफर्ट करने, हम अपनी कार्स को या अपने घरों को साफ करने के साथ साथ अपनी कंट्री को भी साफ करने की कोशिश करें। ये नहीं कि मेरी गाड़ी सही रहा, मैं किसी भी चीज़ के छिलके गाड़ी से बाहर फेंकता रहूँ, कोई भी अपनी गाड़ी को नीट रखने के लिए कोई रैपर गाड़ी में ना हो लेकिन पाकिस्तान में वो हर स्ट्रीट पे नज़र में जा जाए, ऐसा नहीं करना। आप उसको अपने पास ही रखें और जब घर पहुंचें तो उसको डस्टबिन में रख दें, तो इस तरह से आपका मुल्क भी रहेगा। और ये आप ये ना सोचें कि मैं अकेला ऐसा करूंगा तो क्या होगा, नहीं, वो एक ड्रॉप जो प्यास नहीं बुझा सकता लेकिन वो ड्रॉप्स मिलके ही आपकी प्यास बुझाते हैं। तो आप भी यही सोचें कि एक बंदे की एफर्ट सारी आहिस्ता आहिस्ता मिल के एक से एक हजार, हजार से 10,000,00,000 करोड़, इस तरह से सारे जब सोसाइटी में अपना पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे और एक चीज़ पे यूनिफाइड होने की कोशिश करेंगे तो आप खुद ही आगे चले जाएंगे और हर एक से मुकाबला भी करते चले जाएंगे। तो ये आपने इस मैसेज को, आज़ादी के मैसेज को, इसको अपने दिल में बिठा लें, इसको अपने जहन में बिठा लें कि आपने कैसे रहना है। क्लासेस डिफरेंस ख़त्म करने, कोई भी काम करने से पहले ये सोच लें कि इस काम में क्या सिर्फ मेरा इंडिविजुअल बेनिफिट है या मेरा सोशल बेनिफिट है या फिर मेरे फैमिली को बेनिफिट है, और क्या मेरा
इससे कोई मेरी कंट्री को बेनिफिट मिलता है। अगर आपकी कंट्री को बेनिफिट के बजाय नुकसान मिल रहा हो और सिर्फ आपको बेनिफिट मिल रहा हो, तो आप उस काम से दूर रहें। उस काम को इस तरह से करने की कोशिश करें कि उसमें आपकी कंट्री हो, क्योंकि ये मुल्क कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया, इलामा इकबाल के ख्वाब है, लेकिन अब उस ख्वाब को ताबीब में देना है। इस तरह से नहीं रहना कि हम हर चीज़ को डिवाइड हो के बांट के या सिर्फ अपने हद तक लिमिटेड सोच सकें। इस्लाम भी हमें इसी चीज़ का दर्स देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत मदीना किया था तो एक ब्रदरहुड की एग्जांपल कायम की। पूरी दुनिया में उससे अच्छी एग्जांपल कोई नहीं है। इंशाल्लाह मैं किसी एपिसोड पे इस बारे में डिटेल से बात करूंगा, लेकिन उसके अभी भी आप एग्जांपल ले सकते हैं कि आपने ऐसी यूनिटी, ऐसा यूनिफॉर्म, एक मुसलमान मुसलमान का भाई है, ठीक है, अगर जिस्म के किसी एक हिस्से में दर्द होगी तो पूरे उम्मत मुसलमान को होनी चाहिए। वो इलामा इकबाल का शेर है ना, एक हो मुस्लिम हम की पासवानी के लिए, नील के साहिल से लेके ताब खाके का शजर। तो इस मेरे आज़ादी के मैसेज को, यूनिटी के मैसेज को अपने दिल में बिठाएं और अपने आप को डिफरेंसेस से ख़त्म करें और आपस में पीस के साथ, मोहब्बत के साथ, यूनिटी के साथ रहें, और यही आपकी नेशन को नंबर वन पोजिशन पर पहुँचाने के लिए काफ़ी है। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर करें, इस ब्लेसिंग पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, और जितना शुक्र अदा करें वो कम है। और इसकी कदर यही है कि इसको आप आने वाली जनरेशन्स के लिए, यही आपका राइट टाइम है, यही आपकी राइट एज है जिसमें आप कुछ कर सकते हैं, इसको आने वाली जनरेशन पे मत डाल दें। आपने खुद करना और उठें और आपने यूनाइटेड हों, अपना रोल प्ले करें, कोई भी काम कर रहे हो उसमें आप अपने काम को कम मत समझें, बस अच्छाई से, सच्चाई से, उस लगन से अपनी मेहनत को जारी रखें, काम करते रहें, कामयाबी भी आएगी, नंबर वन भी हो जाएंगे और मायूसी से दूर रहें। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, लाइक कर रहे हैं आप, शेयर कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम पॉजिटिव मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचा सकें। और मेरे तमाम स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैं ये ज़रूर कहूँ कि बेल आइकन जो आपको नज़र आता है उसको ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी वीडियोस जैसे ही लोड हों आपको मिल सके। स्टे पॉजिटिव, कीप वर्किंग हार्ड फॉर योर कंट्री एंड कीप गोइंग अहेड। आज़ादी मुबारक।